جاي بقوان بالمك جي دابيم काफी देर से ये बात चल रही है, जब से रिसर्च शुरू हुई थी, सिर्फ मेरी नहीं, 1800 में चौहान जी ने की थी, फिर बख्शीराम जी ने की थी, उसके बाद काफी ये रिसर्च चलती आ रही है। जब वो कोई भी बात करते हैं तो कहते हैं कि जब पचेता का नाम आता है तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पचेता सिर्फ ब्रह्मा का ही पुत्र था। लेकिन अगर आप पढ़े तो इतिहास को अच्छी तरह से पढ़े तो उसमें स्पष्ट है कि दो पचेता थे, एक जो था वो ब्रह्मा का पुत्र था और एक था पचेता नाग, जिसे पचेतस नाग कहा गया है इतिहास में। तो मैं आज सिर्फ इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप हमेशा इन तथ्यों को देखें और फिर उसके बाद कोई बात करें। बहुत कुछ लिखा गया है, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ मनुवादियों की तरफ से बहुत कुछ लिखा गया है, क्योंकि वो ये सहन नहीं करते कि एक जैसे आदिवासी जंगली वो कहते थे कि उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया कि वो अभी तक वो प्रचलित है, इतने हजार सालों पहले लिखा गया था लेकिन वो आज भी अभी भी प्रचलित है। जोगशिष लिखा गया था, जोगशिष में इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि पूछो मत, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि ये सिर्फ उन्हीं का ही काम है और कोई कर नहीं सकता। जैसे हमारे हमारे बीच में काफ़ी स्कॉलर है, हमें काफ़ी इन बातों का सामना करना पड़ता है। जब वो जब हम स्टेज पर जाते ही कहते हैं, जब लेक्चर हम देते हैं कहीं स्टेज पर जाते ही कहते हैं जय भगवान वाल्मीकि जी, तो उनके चेहरे देखने वाले होते हैं, तो हमें गुस्सा नहीं आता, हमें आनंद आता है उनको देखकर कि आप सदा से ही हमारे साथ ऐसे करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, जबकि वही डिग्री आपके पास है और वही डिग्री हमारे भी पास है। तो मैं इन बातों को थोड़ा स्पष्ट और करना चाहता हूँ कि भगवान वाल्मीकि जी ने जोगशिष में भारतवाज को ज्ञान दिया था जो कि ब्रह्मा का पुत्र था, और परचेता को कहते हैं कि वो भी ब्रह्मा का पुत्र था। परचेता और परचेतस नाग दो अलग अलग बातें जो है पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ। अगर हम सिर्फ इसी को ही देखें कि वो ऐसा था, कोई रिश्ता था उनका, तो अगर बताया जाए कि ये है रिश्ता, तो उसके हिसाब से भी फिर जो भारतवाज था और भगवान वाल्मीकि जी से उनके चचा भतीजा के संबंध हुए, फिर ऐसा आप कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी ने जोगशिष विशिष्ट में ऐसे ऐसे ही बातें लिखी है और कई जगह उसे पुत्र भी कहा है भारद्वाज को। ऋषि भारद्वाज को बहुत जैसे संबोधित किया, ऋषि भारद्वाज उनसे काफ़ी छोटे हैं, ये पता चलता है अगर आप जोगशिष को पढ़ें। तो जैसे भक्तमाल में गुरु रविदास को उन्होंने जगह दी थी मनुवादी ने, तो उन्होंने भी इसलिए जगह दी है कि नहीं, वो है तो ज्ञानवान, वो है तो सब कुछ, लेकिन वो पिछले जन्म में ब्राह्मण थे। तो यही बात वो भगवान वाल्मीकि जी के साथ घुमा फिरा कर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम सीधा उनसे बात करते हैं, ये पूछते हैं और डिबेट चलता है, तो एक ही बात आगे आती है कि आप कहानियां बना रहे हैं। भाई, हम कहानियां बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? कितने हमने प्रूफ दिए हैं, कितनी जगह हमने लिखा है कि ये गलत है, ये बात सही है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पिछली अगर इतिहास को पढ़े ऐसा है, तो उस वक्त को कहानी नहीं है, लेकिन हम जो अगर कुछ कहते हैं और जहाँ उस पर तर्क करते हैं तो वो कहानी बन जाती है, ऐसा तो नहीं चलेगा।
अगर आपको कुछ कहानी लगती है या कुछ ऐसा है तो आप बात करें उससे, उससे उससे ही बात आगे निकलेगी। तो मैं ये सिर्फ इसीलिए थोड़ा स्पष्ट करना चाहता था कि ऐसा नहीं है। हमें इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा इतिहास है, हम ऐसे नहीं कहीं से टपक पड़े धरती पर और हमारा इतिहास बन गया और हम सभी यहाँ पैदा हो गए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हमारा इतिहास है, हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, छोटा इतिहास नहीं है। तो आपको इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। जय वाल्मीकि, जय।